आप आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना से आ रही सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। पटना में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी, एक के बाद एक दो घटनाओं को अंजाम दिया है। पहला मामला पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, तो वहीं दूसरा मामला बुद्ध कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की दो घटनाओं को अंजाम दिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है और फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है ये सीसीटीवी फुटेज। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार बुधवार को देर रात बुद्ध कॉलोनी थाना क्षेत्र के बाबा लॉजिस्टिक में हथियार के साथ अपराधी घुसे और किसी बड़े डॉन की धमकी देकर काम करने वाले वाहन के कर्मचारियों से हजारों रुपए कैश, सोने की चेन और अंगूठी के साथ साथ उनके मोबाइल को छीनकर फरार हो गए। वहीं इस घटना में शामिल अपराधियों ने कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गोदाम में घुसकर वहां के कर्मचारियों से रुपए और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों में जांच कर रही है। और बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां थाली और लोटा चोरी के आरोप में भीड़ ने तीन लोगों की जमकर पिटाई कर दी। ये घटना नौबतपुर थाना क्षेत्र के अजवन बैथानी इलाके की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भीड़ कानून को हाथ में लेकर तीन लोगों की बेरहमी से पिटाई करती दिख रही है। पुलिस की माने तो थाली और लोटा की चोरी के आरोप में पिटाई की गई है। पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। डीआईजी ने पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस संबंध में वादी सोमना सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर 10 नामजद एवं 10 अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांड में आवश्यक कार्रवाई की जा रही। और संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, पटना में हो क्या रहा है? एक तरफ लुटेरे लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो दूसरी तरफ भीड़ खुद कानून को हाथ में लेकर बेरहमी से पिटाई कर रही है, वो भी लोटा और थाली के चोरी के शक में। देखिए बिल्कुल, और ये साबित करता है कि पुलिस का इकबाल जो है वह खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और जो ये लूट की घटना है, दो अगल बगल के थाने हैं बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली, और एक ही गैंग पर पुलिस प्रशासन है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। जहां तक नौबतपुर की घटना का सवाल, तो निश्चित तौर पर यह साबित करता है कि लोगों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। महज एक लोटे और थाली के लिए कानून अपने हाथों में लेकर जो नाराज भीड़ है उसने बर्बरता से पिटाई की है। पिता पुत्र की पिटाई की है, एक और शख्स भी है उसकी भी पिटाई हुई है। बहरहाल इस पूरे मामले को पटना के एसएसपी सर डीआईजी ने गंभीरता से लिया है। रिपोर्ट तलब की गई है और उस आधार पर छापेमारी की जा रही है ताकि जो आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या वाकई में लोगों का पुलिस पर इकबाल खत्म हो गया कि इस तरीके से लोग कानून अपने हाथों में ले रहे हैं। जी संजय, सवाल ये भी बनता है क्योंकि जो जिन पर ये चोरी का शक जा रहा है या चोरी का आरोप लगाया जा रहा है वो बाइक से हैं और लोटा और थाली चोरी करने वो आए होंगे, इस पर भी एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जी बिल्कुल, पहले इनकी पिटाई बगैर बाइक के की जा रही थी, लेकिन ये जब भागने लगे उसके बाद बाइक को घेर लिया गया। कुछ लोगों ने बचाव की कोशिश की, उनकी भी पिटाई हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल कि अगर किसी ने अपराध किया भी है तो भीड़ कौन होती है सजा देने के लिए, खुद से सजा मुकर्रर करने के लिए, एक बड़ा सवाल है। देखना होगा पुलिस कब तक गिरफ्तारी सुनिश्चित करती है। लेकिन फिलहाल पुलिस की प्रायोरिटी है कि इलाके में अमन चैन कायम जा सके, क्योंकि घटना के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बिल्कुल संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गया से बड़ी खबर मिल रही है, ठनका से 5 लोगों की मौत हो गई है। पति पत्नी समेत 5 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। खेत में पटवन के दौरान यह हादसा हुआ है। बेलागंज के पनारी गांव का यह पूरा मामला। घटना की सूचना मिलते ही बेलागंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि सभी लोग खेत में पटवन कर रहे थे, तभी तेज बारिश हुई। इस दौरान सभी लोग खेत में बने मोटर पंप के केबिन में जाकर छिप गए, तभी ठनका जो था वो गिर गया, तभी इसकी चपेट में ये 5 लोग आ गए। 3 झुलसे हुए हैं, पति पत्नी की मौत बताई जा रही। एलन लिली हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। एलन लिली, बारिश का मौसम है, हालांकि प्रशासन की ओर से ठनका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पटवन के दौरान यह हादसा हुआ है
और पूरे गांव में इस समय कोहरा मचा हुआ है। निश्चित रूप से पूरे गांव में जो है मातम पसर गया है, क्योंकि जिस वक्त जो घटना हुई है उस वक्त जो है जो किसान जो है वो खेत में पटवन कर रहे थे, और तभी तेज बारिश हुई और बर्फबात जो है वो गिरने लगा। एक एक कर बर्फबात जो है कई बार गिरा है, लेकिन इस बर्फबात गिरने के दौरान जो जो किसान है जो खेत में लगे जो पंप सेट होता है उस केबिन में जाकर लोग छिप गए थे। छिपने के दौरान भी अचानक इतनी जोरदार जो बर्फबात हुई जो पंप सेट के जो केबिन है उस केबिन में जो है वो बर्फबात के घेरे में आ गया, और वहाँ जो शामिल थे 5 लोग करीब 8 लोग से ज्यादा लोग वहाँ पर बताए जाते वहाँ पर छिपे हुए थे, लेकिन इसमें 5 लोगों की मौत जो है घटना स्थल पर हो गई, जबकि 3 से 4 लोग जो है वो घायल बताया जा रहा है, और घायलों का जो इलाज जो है अनंत फनन में स्थानीय जो बेलागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भर्ती कराया गया। फिलहाल मृतकों में जो दो एक पति पत्नी है और बाकी जो आस पास जो लोग हैं वो इसमें शामिल है। आपको बता दें कि कई दिनों से लगातार जो है वो बारिश नहीं हो रही थी, और जब बारिश हो रही है तो लगातार जो है ठंड का जो बर्फात है वो लगातार गिर रहे हैं। फिलहाल पुलिस एलन लिली ये बताइए कि जो 5 लोगों की जिनकी मृत्यु हुई है ठनका गिरने से, वो 5ों एक ही परिवार के थे या फिर अलग अलग परिवारों के थे? जिसमें जैसी वजह को बता दें कि इसमें जो है एक पति पत्नी है, बाकी जो जो पास पड़ोस के रहने वाले हैं वो इसमें शामिल है मृतकों में। फिलहाल जो 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 3 लोग हैं वो भी मतलब कह सकते हैं कि एक ही गाँव के जो है वो एक ही गाँव के 5 लोग थे। एलन लिली आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र में 2 अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए हैं। सभी को साहिबगंज पीएचसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना साहिबगंज थाना क्षेत्र के नवलपुर गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हथियार के साथ 2 बदमाश बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने उनका पीछा किया। दोनों बदमाश गांव में जाकर छिप गए। जब पुलिस वहां पहुंची तो स्थानीय लोगों ने अंधेरे में उन्हें चोर समझ लिया और हमला कर दिया और पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी, जिसमें एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। साहिबगंज में एक सूचना मिला था कि 2 क्रिमिनल्स हैं जिनका पहले से अपराधी का इतिहास है, उनमें वो लोग आर्म्स के साथ में कुछ घटना करने के लिए जा रहे थे, तो उन्हीं का पीछा करने के लिए पीछा करते हुए टीम के द्वारा काफी दूर तक उनका पीछा किया गया, और उसी क्रम में उनके द्वारा भाग करके एक जगह पे छुपने की उनकी सूचना मिली थी। तो पुलिस की टीम जब वहाँ पर रेड करने गई तो स्थानीय लोगों के द्वारा उनको पुलिस को रोकने का कोशिश किया गया, उसी में हाथापाई हुई थी। एक जो हम लोग पुलिसकर्मी थोड़ा सा चोटिल भी हुई, और हम लोग के द्वारा उसमें जो लोग उसमें सरकारी कार्य में बाधा की पुलिस को हमला किया, हम लोगों ने 5-6 लोगों को अभी तक डिटेन किया हुआ। अब प्रियांक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रियांक, पुलिस गई है, पिटाई कर दी गई, उसकी कपड़े फाड़ दिए गए, बताया जा रहा है कि चोर होने के शक में, क्या पुलिस वहां पर अपनी वर्दी में नहीं थी? जी, पुलिस तो वर्दी में ही थी, लेकिन यह जो मामला सामने आया है इसमें भले ही वहाँ इस तरीके से चोर चोर का माहौल बनाया गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं वो अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद जो है पुलिस ने हालांकि 6 लोगों को डिटेन भी किया है इस मामले में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की गई थी। पुलिस वहाँ पे 2 अपराधियों की को पकड़ने के लिए गई थी जो हथियार के साथ कोई बड़े क्राइम की योजना बना रहे थे, उसका पीछा पुलिस कर रही थी, लेकिन जब वो लोग छिपने का प्रयास किए, दोनों अपराधी जो वो छिपे, तो उनकी तलाशी जब ली जा रही थी घरों में घुस के, तभी लोग जो है इसको लेकर एग्रेसिव हो गए। और हाल के दिनों में जिस तरीके से अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि पुलिस आई है तो शराब के मामले में लोगों को उठा लेगी, तो यही सब वजह है कि लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और यह स्थिति उत्पन्न हुई है। फिलहाल 6 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया। प्रियांक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोतिहारी में मारपीट के मामले में जांच करने गई पुलिस टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया, साथ ही एसआई के कपड़े तक फाड़ डाले। सूचना के बाद पुलिस थाने और पुलिस बल पहुंचा है और एसआई को थाने लाया गया। पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के दलित बस्ती की है। वहीं दूसरी तरफ परिवार की महिला ने गांव में मारपीट सुलझाने गई पुलिस पर आने के साथ ही मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कालर पकड़ के गंजी फाड़ दिया। उसके बाद कहीं गाड़ी पर बैठो तो पूरा जितना महिला था सब भी घुस गया,
फिर न जाने देंगे। हम भी कहेंगे ठीक है, हमको उनकी थाना पर थाना पर से और बल आया, उसके बाद लेके आया मार देना खाए तब भी हमारे लड़का सा गेल खा छोड़ावे तले बारा बाबू के फोन का बेल हमसे बोला के अब बारा बाबू हमरा के एक चरतन वाला खा झूला फार लखा बारा बाबू। वैशाली में एक सरकारी स्कूल में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। स्कूल में तैनात शिक्षक और महिला शिक्षक की दबंग पत्नी ने स्कूल में घुसकर पिटाई कर दी और उसका सिर फोड़ दिया। शिक्षक की पत्नी ने महिला शिक्षिका पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। स्कूल में हंगामे के बाद ग्रामीण नाराज हो गए और स्कूल में ताला बंद कर दिया और आरोपी शिक्षक शिक्षिका को स्कूल से हटाने की मांग की। जानकारी के मुताबिक शिक्षक मिथिलेश राय का स्कूल की शिक्षिका रंकिता कुमारी से कई सालों से अफेयर चल रहा था। शिक्षक मिथिलेश की पत्नी ने दोनों को स्कूल में रंगे हाथों पकड़ लिया। स्कूल में हंगामे की खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद विभागीय अधिकारी भी स्कूल पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर स्कूल का ताला खुलवा दिया गया है और सख्त कार्रवाई की बात कही है। ऑफिस में यहाँ मिथिलेश राय और अशोक शाह के बेटी जो टीचर है दोनों अंदर बैठे हुए थे। इसी स्थिति में मिथिलेश राय के पत्नी घर से जांच के लिए आए, वो अपना पति के 20 साल से अफेयर चल रहा है दोनों में, उसके बाद आने के क्रम में वो मिथिलेश राय के इस दोनों के साथ पकड़ने के कारण कपार फोड़ दिया गया। औगड़ाबाद इसके बाद जो टीचर जो हुआ औगड़ाबाद गाँव वाले सब पूछ लीजिए और आज मैडम को भगा दिया गया। और बोल रहे थे लोग के कल जो है ना इसका फैसला होगा। अच्छा, मारामारी क्यों हुआ है? अच्छा, इतनी सी बात हम जानते हैं। तभी विद्यालय बंद है, बच्चे सब आए थे लेकिन ताला लगने की वजह से वो वापस हो गए। अच्छा, शिक्षक लोग मास्टर लोग भी चले गए? हाँ, मास्टर लोग भी अपनी हिफाजत के लिए कहीं चले गए। अच्छा, विद्यालय में नहीं है वो लोग? अभी नहीं। कोई अनुमान मिला था, कोई अनुमति मिली थी कि विद्यालय छोड़ के आप लोगों को जाना है? ऐसा कुछ नहीं मिला। उसके लिए आप इत्मीनान से रहिए और सारा ये जो काम हुआ है दोनों को आश्वासन बदली दी, दोनों जो आपका शिक्षक शिक्षिका है दोनों को बदली किया जाएगा इसी स्कूल से दूसरे स्कूल। और दिल्ली में हुए कोचिंग में छात्रों की मौत के बाद राजधानी पटना में भी कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र अपनी सुरक्षा को लेकर आवाज उठा रहे हैं। दूर दूर से पढ़ाई के लिए घर से बाहर आए छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। हॉस्टल और लॉज में रहने वाले छात्र छात्राएं हॉस्टल संचालकों की मनमानी से परेशान हैं। मनमानी पैसा लेने के बाद भी छात्र सुरक्षित नहीं है। सीसीटीवी कैमरा, वेंटिलेटर, फायर सेफ्टी, नाइट गार्ड जैसी कुव्यवस्था होने के बाद हॉस्टल संचालक छात्रों से मोटा पैसा वसूलते हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। दिल्ली में कोचिंग छात्रों की हुई मौत के बाद राजधानी पटना में भी कोचिंग जांच अभियान लगातार जारी है, लेकिन वैसे छात्र जो कोचिंग में ही पढ़ाई करते हैं लेकिन रहना हॉस्टल और लॉज में होता है, ऐसे में उन्हें भी अब डर सता रहा है कि वहां पर भी सुरक्षा मानक का ख्याल नहीं रखा जाता है। तो राजधानी के गोपाल मार्केट में हम पहुंचे हैं क्योंकि ये इलाका कोचिंग वाला इलाका है और इस इलाके में ही हजारों और सैकड़ों छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। कोई अधिकारी बनने का सपना लेकर यहां पहुंचे हैं, कोई क्लर्क बनना चाहते हैं, कोई डिफेंस में जाना चाहते हैं, कोई बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं। तो हम छात्र और छात्राएं दोनों हैं, उनसे बातचीत करेंगे। छोटा सा 10x10 का रूम भी लगता है, रूम डर तो नहीं, डर क्या लगेगा, कोई जिम्मेवारी रूम मालिक का नहीं रहता है इसमें, कब क्या कब आया कब क्या किया गया कब आया गया कोई मतलब नहीं। पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था खरीद के पीना पड़ता है। पानी पानी की व्यवस्था नहीं? नहीं, पानी वही सिर्फ बर्तन वर्तन धोने के लिए सिर्फ। क्या व्यवस्था है? रूम बहुत छोटा, रूम कॉस्टली रूम, तो महंगा रूम रहता है उसमें, छोटा भाई रूम 10x10 रूम को 3000। नियम बने कि लॉज और हॉस्टल पर भी जो एक तरह से डंडा चले प्रशासनिक? जी जरूर बनना चाहिए, इस पे नियम बनना चाहिए। आप भी हॉस्टल में रहती हैं? जी। कैसी व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था नहीं है, खाने और पानी को लेके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं वहाँ पे रहती थी, अभी अब फैमिली के साथ शिफ्ट कर गई हूँ क्योंकि मुझे लगातार 3 बार टाइफाइड हुआ खाने की वजह से और पानी की वजह से। सेफ्टी की अगर बात करेंगे तो कितने सुरक्षित हैं आप? जी मेरे लॉज में हॉस्टल में तो था सुरक्षित, वहाँ पे आती जाती थी तो साइन करके जाना होता था, वहाँ था। लेकिन लग रहा है कि हॉस्टल और लॉज को लेकर भी नियम बने और जांच हो? जी बनना चाहिए। कैसे रहते हैं स्टूडेंट? बनना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि सब बस पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। पैसे दीजिए अच्छे रूम मिलेंगे, अगर पैसे नहीं, हम लोग स्टूडेंट हैं, पैसे नहीं है तो फिर एक छोटे से रूम में रहना पड़ता है। जब इतना ही पैसे होते तो मैं अपना फ्लैट लेके रहती ना। इन्हीं में से कोई दरोगा बनेंगे, कोई DSP बनेंगे, कोई SDM बनेंगे, कोई IAS बनेंगे, कोई IPS बनेंगे, लेकिन आज लग रहा है कि आपकी मजबूरी का फायदा लोग उठा।
बिल्कुल फायदा उठा जाता था सर। सबसे पहले न्यूज 18 ने हमेशा ही विद्यार्थियों की समस्याओं को जो उभार कर सामने लाए उसके लिए बहुत धन्यवाद। और रही बात सर लॉज के लिए, तो लॉज कोचिंग के साथ लॉज का भी मानक तैयार होनी चाहिए। अभी इतनी स्थिति खराब है सर लॉज की, चल में बहुत ज्यादा कमी है, जैसे कि रूम बिल्कुल छोटा होता है और उस बीच हम लोग उसमें खाना बनाते हैं और कोई इसमें चेकिंग नहीं है कि कब बच्चा के साथ अनहोनी हो जाए, कुछ भी अच्छे से नहीं है। और सेफ्टी वगैरह तो कोचिंग के लिए बोला जा रहा है, लेकिन क्या हॉस्टल लॉज में कुछ है? आग लग जाए अगर छोटे छोटे कमरे को जोड़कर बिल्डिंग खड़ा किया जाता है। जाना अभी मेरे हॉस्टल में कुछ दिन पहले ही आग लगी है, वो तो भगवान का भरोसा है कि बच गया, कुछ भी हुआ नहीं। शीशे का खिड़की था उसको तोड़ के और खुद ही पाइप लगा के और पानी से आग को बुझा दिए लोग। नाइट गार्ड वगैरह है? कुछ भी नहीं है, कैमरा है और अगर हम पहले का कुछ रिकॉर्डेड देखना चाहें तो वो नहीं देख सकते। जिला प्रशासन की टीम अगर देख रही है या खुद जिलाधिकारी देख रहे हैं इस खबर को और छात्र छात्राओं की जुबानी सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से जांच की जरूरत है, क्योंकि छात्राओं ने भी पोल खोला है और छात्र भी कह रहे हैं कि हमारे हॉस्टल और लॉज में कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ मजबूरी का फायदा उठाते हैं हॉस्टल संचालक लॉज संचालक। ना तो सीसीटीवी का इंतजाम है, ना नाइट गार्ड है और ना ही फायर सेफ्टी किट की व्यवस्था की गई है। जाहिर है न्यूज 18 सवाल उठा रहा है, साथ ही सरकार से ये मांग कर रहा है कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टिकोण से सिर्फ कोचिंग संचालकों पर दबिश क्यों? जो हॉस्टल और लॉज चलाने वाले जो लोग हैं वो भी मनमानी कर रहे हैं और छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत देते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल्स 11 की आपत्ति को खारिज कर दिया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के फैसले से यह तय हो गया है कि मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी। विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की मांग की थी। हाँ बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। टुडे दी ऑनरेबल नहीं, देखिए काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफ़ी डिटेल सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7-11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे, साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करें। आपका ग्राउंड क्या था जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया? देखिए सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वफ एक्ट से बाधित नहीं है और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। उसका मूल कारण यह है कि वफ का भी जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो वो जाएंगे ही और जाना भी चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, संविधान है, कोटे हैं तो वो जाएंगे ही, लेकिन हमारा ये बस समय कंज्यूम होगा, वो बस समय को बर्बाद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। लीगली इसमें कहीं भी कोई वो नहीं है और हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कैविएट मूव करेंगे और हम निश्चित तौर पे इसका अपोज करेंगे इनके एप्लीकेशन का और वहाँ भी इनका खारिज हो जाएगा। बहरहाल तो मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे इस आदेश पे स्टे लगाने वाली है। वो क्या पॉइंट रख सकते हैं? देखिए उनके पास ऑर्डर 23
3 जो सीपीसी का रूल है उसको लेके है, उनका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को लेके है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कह रहे हैं कि बाढ़ है। देखिए जब वो जो जगह है ना, भगवान आइडल देवता है वो, और भगवान श्री कृष्ण विराजमान वहाँ पे, आप कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करके या किसी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आरक्षण पर दिए अपने फैसले में राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर सब कैटेगरी बनाने की अनुमति दी है। इससे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जनों की बेंच ने सब कैटेगरी या सब कोटा बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज बहुमत के आधार पर यह फैसला सुनाया है। जजों ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जरूरत के मुताबिक सब कैटेगरी बनाई जानी चाहिए। अपना फैसला सुनाते हुए एक जज ने उदाहरण भी दिया। जज ने कहा कि यह पूरी व्यवस्था एक ट्रेन की बोगी की तरह है। जो व्यक्ति बोगी में घुसने में सफल रहता है वो फिर बाकियों को अंदर आने से रोकने की कोशिश करता है। और कैमूर जिले के रामगढ़ में बाइक से घर जा रहे व्यक्ति को तेज रफ्तार डायल 112 गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी व्यक्ति को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाई और अस्पताल के गेट पर छोड़कर ही फरार हो गई। अस्पताल के गार्ड ने घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया और घायल के परिजन के साथ पुलिस को सूचना दी। घायल का रामगढ़ अस्पताल में प्राथमिक इलाज किया गया और बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पीड़ित के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर रही है। अच्छा, तो लेके कौन आया? 112 ही लेके आया है। अच्छा, मतलब ये मरीज की हालत क्या, कैसी है स्थिति अभी? अब चोट कहाँ लगा है सर? में कितना चोट सर, गंभीर है या फिर? गंभीर है। ठीक है, 112 नंबर की गाड़ी अभी छोड़ करके गई। कहाँ छोड़ के गई? अस्पताल के गेट पर मैं ड्यूटी में था, तो जैसे को उतारा 112 नंबर गाड़ी और बोला कि ये रोड पर घाव लगा था, इनको देखिए। मैं तो दौड़ के इनको उठाया, इनका पर्ची कटवाया और लाकर के इलाज के लिए। पुलिस फिर उसके बाद कोई अपनी कार्रवाई के लिए नहीं आई? पुलिस यहाँ उतारा और चला गया बस। गाड़ी के मतलब गली के अंदर ले जा रहे थे और गाड़ी तेज थी, लगभग 112 नंबर गाड़ी तेज थी गाड़ी। अच्छा, और डायरेक्ट मुझे काम आ रही। माने जो बाइक से जो एक्सीडेंट हुआ है क्या चीज़ें थे? 112 नंबर गाड़ी थी वो। आई जो कुछ गाड़ी में बाइक वगैरह थे क्या जी? जिसको एक्सीडेंट हुआ किसी पे थे? बाइक थे वो, बहुत तेजी से गाड़ी। अच्छा, ये मुड़ा रहे थे धीरे से और बहुत तेजी से थे और डायरेक्ट मारी है, ठीक ना? तो न्यूज 18 अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।